अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड फील हो रही है, तो ठंड को दूर भगाने के लिए फटाफट से ये सूप बनाएं, पिएँ, इंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, सूप की तैयारी के लिए जो है मैंने हरी मिर्च, अदरक और जो है लहसुन वो थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया। आप चाहे तो ज़्यादा पीस लें, आप चाहे तो ऐसे मोटा मोटा रख लें, ठीक है जी। ये हमारे पास है आधा किलो चिकन, जिसको जो है मैंने धो लिया है अच्छे से। अगर आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, गोल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ेदार सा सूप तैयार करने के लिए तो ये जी मैंने कढ़ाई में चिकन ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, काली मिर्च और नमक। इसमें मैं जो है ना वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा जितना सूप बनाना हो। अब जी मैंने इसमें पानी डाल के कढ़ाई में चिकन को जो है ना ऊपर रख दिया ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च नमक सब चीज़ों का टेस्ट इसमें ऐड हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ ऐसा कि पहले तो हमारा प्लान था कि हम एग और जो है वो चिकन सूप बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना अचानक माइंड चेंज हो गया। हमने कहा वेजिटेबल भी ऐड कर लेते हैं। मेरे पास बंद गोभी शिमला मिर्च, मैंने बस इसको ऐड कर लिया। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो। ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट हैं सूप के, कॉर्नफ्लोर और ये सारे सॉसेजेस, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, इसके बाद काली मिर्च और नमक, अंडा और कप और चम्मच जिसमें जी हमें घोलना है जी चंगी तरह से कॉर्नफ्लोर को अपने सूप को गाढ़ा करने के लिए, ठीक है जी। और ये मेरे पास बीटर है जिसके साथ जो हम बीट करेंगे इसको अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए। अच्छा जी, जब हमारा सूप जो है वो बनने लग गया, इसके अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, मुझे नमक और काली मिर्च कम लग रही थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और अपने सॉसेजेस अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिए हैं और ये जी हमारा मज़ेदार सा सूप बन के जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, दिखने में भी बड़ा मज़े का लग रहा था, इसका टेस्ट और खुशबू भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की थी। ये जी मैंने अपने हिस्से का कटोरी में निकाल लिया है, अब मैं इसको पीऊँगी। हम लोग जो है ना इस चूल्हे पे बना रहे थे, साथ साथ जो है ना वो इसको सेक भी रहे थे आग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम इसके इर्द गिर्द बैठ के जो है ना अपना सूप इंजॉय कर रहे थे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलिएगा।